हम शुरुआत करेंगे जॉइंट पेन की प्रैक्टिसेस से। दंडासन स्थिति में बैठ जाइए। सबसे पहले हम करेंगे पैरों की उंगलियों को घुमाना, पैसिव टो रोटेशन। सबसे पहले घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 10 बार करें। और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। अब इसे दूसरे पैर से भी करेंगे। घड़ी की दिशा में 10 बार। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। और घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। अगली प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाएंगे। घुटने को घुमाना, नी रोटेशन। अब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 बार। दूसरे पैर से भी करेंगे क्लॉकवाइज 5 बार। घड़ी की विपरीत दिशा में भी घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। अब करेंगे घुटने को खोलना और बंद करना, नी ओपन एंड क्लोज। दूसरे पैर से भी करेंगे अब हम करेंगे हाफ बटरफ्लाई। पहले दाहिने पैर से करेंगे
पांच बार करना है। दूसरे पैर से भी करेंगे। शिथिल दंडासन में आराम करें, रिलैक्स इन शिथिल दंडासन। अब हम करेंगे हाथों के व्यायाम। सबसे पहले अंगुली शक्ति विकासक, फिंगर स्ट्रेच, पांच बार करेंगे। अब करेंगे हथेली पे खिंचाव, पाम स्ट्रेचिंग। दूसरे हाथ से भी करेंगे। दोनों हाथों को रिलैक्स करें। अब करेंगे कोहनी को मोड़ना और बंद करना, एल्बो क्लोज एंड ओपन, पांच बार करेंगे। अब हम अगले आसन की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे वक्रासन। उसके लिए दंडासन स्थिति में बैठ जाइए। एक, दो, तीन, चार और पांच। स्थिति से बाहर आइए। दूसरे पैर से भी करेंगे।
एक, दो, तीन, चार और पांच। स्थिति से बाहर आइए। रिलैक्स कीजिए शिथिल दंडासन में। अब हम करेंगे मार्जार आसन, टाइगर ब्रीदिंग। एक, दो, तीन, चार पांच। छः, सात, आठ, नौ, और 10। अब यहीं से हम लेट जाएंगे मकरासन में। शिथिल मकरासन में आराम करें। मकरासन स्थिति में हम पहला आसन करेंगे भुजंगासन। एक, दो, तीन, चार, पांच। मकरासन में आराम करें, रिलैक्स इन मकरासन। अब हम यहीं से शवासन में आ जाएंगे। शवासन स्थिति में हम आसन करेंगे पवन मुक्तासन। पहले एक पैर से एक,
दो, तीन, चार, पांच। स्थिति से बाहर आइए। अब दूसरे पैर से करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब स्थिति से बाहर आइए। अब हम इसे दोनों पैर से करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब स्थिति से बाहर आइए। शवासन में आराम कीजिए। अब शरीर के एक साइड पे मुड़ के बैठने की स्थिति में आ जाइए। अब हम करेंगे डायबिटीज के लिए एक व्यायाम और हाई बीपी के लिए, मतलब हाइपरटेंशन के लिए एक प्राणायाम। डायबिटीज के लिए हम करेंगे रोटी मेकिंग और हाइपरटेंशन, हाई बीपी के लिए करेंगे चंद्र अनुलोम विलोम। तो जिन्हें डायबिटीज है वो रोटी मेकिंग करें और जिन्हें हाइपरटेंशन, हाई बीपी है वो चंद्र अनुलोम विलोम करना शुरुआत करें। प्राणायाम के लिए सुखासन में बैठ जाइए। सबसे पहले हम करेंगे शीतलीकरण प्राणायाम। सबसे पहले शीतली प्राणायाम, मुंह से सांस अंदर और नाक से बाहर। शीतली प्राणायाम होने के बाद शीतकारी प्राणायाम करेंगे।
बार शीतकारी प्राणायाम के बाद हम अब करेंगे अगला प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम, षण्मुखी मुद्रा में करेंगे। तीन बार करना है। और एक बार गहरी और लंबी सांस अंदर लें। और एक बार गहरी और लंबी सांस अंदर। तीन बार भ्रमरी होने के बाद अपने हाथों को नीचे ला सकते हैं। सुखासन में ही रिलैक्स करें। अब हम करेंगे शवासन में लेटकर विपरीत करनी। दीवार का सहारा लेते हुए अपने पैरों को ऊपर की तरफ रखिए। और अब हम इसी अवस्था में तीन बार आकार का उच्चारण करेंगे और अपने शरीर को पूरा रिलैक्सेशन देंगे। गहरी लंबी सांस अंदर। और एक बार गहरी और लंबी सांस अंदर। और एक बार गहरी और लंबी सांस अंदर। अपने पूरे शरीर में, पीठ में, कमर में रिलैक्सेशन को फील कीजिए। इस रिलैक्सेशन का आनंद उठाइए। एंजॉय योर रिलैक्सेशन।
और अब हम विपरीत करणी से शवासन में आ जाएंगे। और शवासन में अपने शरीर को पूरा आराम देंगे।